डाइट मंडी में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में जिला में मौजूद स्कूल प्रबंधन समितियों को सुदृढ़ करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केंद्र व प्रदेश सरकार शिक्षा के ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए नई नई योजनाएं लागू कर रही है। केंद्र व प्रदेश सरकार शिक्षा के ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए नई नई योजनाएं लागू कर रही हैं। इसी कड़ी में स्कूल प्रबंधन समितियों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने नई योजना बनाई है, जिसके तहत स्कूल प्रबंधन समितियों को जागरूक करने के लिए हर जिला में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में डाइट मंडी में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय शिविर में स्कूल प्रबंधन समितियों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही सरकार की सोच की यदि समितियां सशक्त होंगी तो शिक्षा का स्वरूप बदलेगा और शिक्षा में गुण भी बढ़ेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यशाला के दौरान जिला परियोजना अधिकारी बलबीर भारद्वाज ने बताया कि डाइट मंडी में चल रही 2 दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से स्कूल प्रबंधन समितियों को सुदृढ़ करने के लिए कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रशिक्षकों को जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि डाइट मंडी में साल भर प्रशिक्षण शिविरों का दौर जारी रहता है। यहाँ शिविरों के माध्यम से शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों के सदस्यों व शिक्षकों को समय समय पर जागरूक भी किया जाता है। आज डाइट मंडी में 2 दिवसीय कार्यशाला का आरंभ किया गया। ये कार्यशाला जो है वो स्कूल प्रबंधन समितियों को सशक्त करने के लिए जो आयोजित की गई है। इस कार्यशाला में शिक्षा में जितनी भी गुणवत्ता को लाने के लिए जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं उनके ऊपर चर्चा होगी और वो सारे की सारी गतिविधियां जो हैं वो स्कूल प्रबंधन समिति सभी अभिभावकों और अध्यापकों तथा स्कूल के मुखियों तक पहुंचे, इसके लिए इन 2 दिनों में प्रयास किया जा रहा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो 2 दिन की कार्यशाला है जिसमें स्कूल के हेड्स हैं, एनजीओ के लोग हैं, डीआरसीसी हैं, स्कूल प्रबंधन समिति के लोग हैं, ये कुछ अलग अलग जगह से जो लोग आते हैं उनका एक कम्युनिटी बनाई है हमने, और ये जाकर के जो है वो ब्लॉक लेवल पे ट्रेनिंग देंगे और वही ट्रेनिंग जो है वो हर स्कूल प्रबंधन समिति तक पहुंचेगी। और मुझे लगता है कि अगर स्कूल प्रबंधन समितियां सशक्त होंगी तो शिक्षा का जो स्वरूप है वो बदलेगा और गुणवत्ता भी उसमें आएगी। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।